राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है 6 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए विज्ञान पर आधारित श्रृंखला ज्ञान विज्ञान। ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान। श्रृंखला के इस कार्यक्रम का शीर्षक है संतुलित आहार। नमस्ते बच्चों, आज कार्यक्रम में हम आपके लिए लाए हैं भोजन। अरे आपके मुंह में तो पानी आ गया। भाई ये भोजन सचमुच का भोजन नहीं है, बल्कि भोजन तो इस गीत का शीर्षक है जिसे हम तुम्हें अब सुनवा रहे हैं। सुनो। हाँ भाई, भोजन बड़ा ही जरूरी है, मगर भोजन वो जो संतुलित हो, यानी वो भोजन जिसमें सभी पौष्टिक तत्व सही अनुपात में हो, और हाँ भोजन हो साफ सुथरा, और साथ ही भोजन सही वक्त पर करना भी बड़ा जरूरी है। जो बच्चे ऐसा नहीं करते उनकी हालत वैसे ही हो जाती है जैसे शीलू की हुई थी। आप कहेंगे शीलू कौन? भाई इसका जवाब तो देंगे भैया। शीलू एक होनहार लड़की थी। पढ़ाई में तो वो तेज थी ही, पर उससे भी ज्यादा उसे खेल प्यारा था, जिसके लिए वो भोजन भी छोड़ देती थी। वो माँ की डांट तो खा लेती, पर नहीं खाती तो खाना ठीक से नहीं खाती। अरे भाई, उसे खेलने की जल्दी जो लगी रहती थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि खाना न खाने की वजह से शीलू बहुत ही कमजोर होती चली गई, और इसी कमजोरी के कारण शीलू का खेलना भी बंद हो गया। अब तो ज्यादातर वो बिस्तर में ही लेटी रहती। हाँ भाई, वो बीमार हो गई थी। एक बार क्या हुआ कि इसी बीमारी की हालत में एक दिन नींद में शीलू को लगा मानो रसोई घर में रखी खाने की चीजें आपस में बातें कर रही हैं और उससे कुछ कह रही हैं। उसने देखा कि कटोरे में रखा दही फिसल फिसल कर उसके पास आया और बोला, शीलू अगर तुमने मुझको खाया होता, शीलू अगर तुमने मुझको खाया होता, तो आज तुम्हारे चेहरे का रंग
यूं मुरझाया ना होता। इसके बाद गिलास में रखा दूध शीलू के पास पहुंचा और बड़ी शान से कहने लगा, शीलू अगर तुमने मुझको रोज पिया होता, शीलू अगर तुमने मुझको रोज पिया होता, कमजोर नहीं तब तुम पड़ती दोस्तों के संग संग खेल खेला करती। तभी कटोरी में रखी हुई दाल उछलते हुए बोली, शरीर की बनता ढाल, मुझ में होता है प्रोटीन जो शरीर की बनता ढाल, मैं हूँ दाल, मैं हूँ दाल, मैं हूँ दाल, मैं हूँ दाल। तुमने मुझको कम खाया, तुमने मुझको कम खाया, इसीलिए तो शीलू रानी, इसीलिए तो शीलू रानी, प्रोटीन कम होने के कारण, प्रोटीन कम होने के कारण कमजोर हुई है तेरी काया, दाल ने अपनी बात जैसे ही पूरी की, रोटी की टोकरी में से एक रोटी दौड़कर शीलू के पास आई और बोली, शीलू रानी, शीलू रानी, शीलू रानी, तुमने माँ की बात न मानी, तुमने माँ की बात न मानी, जब भी उसने मुझे परोसा, जब भी उसने मुझे परोसा, तुमने अपनी माँ को कोसा, तुमने अपनी माँ को कोसा, मुझको जो तुम चाहो से खाती, मुझको जो तुम चाहो से खाती, शक्ति खूब तुम्हें मिल जाती, शक्ति खूब तुम्हें मिल जाती। तभी क्या हुआ बच्चों, कढ़ाई में रखी तरकारी यानी सब्जी भी शीलू के पास आ गई और वो बोली, इसके बाद अचानक शीलू को किसी के आने की आवाज आई। शीलू ने गौर से देखा, अरे ये तो गोल मटोल लाल लाल सेब है जो बड़ी देर से सबकी बातें सुन रहा था। सेब बोला, सबने अपनी बात कही लेकिन बात है यही सही,
सबने अपनी बात कही, लेकिन बात है यही सही। स्वस्थ शरीर तभी होता है खाने में हो तत्व सभी, स्वस्थ शरीर तभी होता है खाने में हो तत्व सभी, जब खाने में हो तत्व सही। यानी आहार जब संतुलित होता है, यानी शीलू अगर खाती थोड़ी मात्रा में लेकिन ठीक समय पर दूध दाल रोटी सब्जी और दही, तो ये भोजन होता एकदम सही, क्योंकि इसमें मिलता शीलू को प्रोटीन विटामिन खनिज लवण। कहो कैसी रही? सबने अपनी बात कही, सबने अपनी बात कही, लेकिन बात है यही सही, लेकिन बात है यही सही। स्वस्थ शरीर तभी होता है खाने में हो तत्व सभी, स्वस्थ शरीर तभी होता है खाने में हो तत्व सभी, जब खाने में हो तत्व सभी, जब खाने में हो तत्व सभी। सेब की बात सुनकर शीलू की नींद अचानक खुल गई और न जाने उसे क्या हुआ कि उसने जल्दी से अपनी माँ को बुलाया और कहा, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए आप मेरे लिए रोटी सब्जी दूध दही और रसोई में जो भी खाने की चीज रखी हो उसे जल्दी से ले आओ। शीलू की बात सुनकर माँ को बड़ी हैरानी हुई कि अचानक ये शीलू को क्या हो गया। जो शीलू खाने से अब तक इतना दूर भागती थी वो इतना कुछ खाने को कैसे मांग रही है। पर कुछ भी हो, माँ को बड़ी खुशी हुई कि शीलू ने कम से कम कुछ खाने को मांगा तो सही। लेकिन साथ ही माँ ने शीलू को एक बात ये भी बता दी कि देखो ये सच है कि भोजन सबके लिए बहुत जरूरी है, इससे शरीर को ताकत तो मिलती है और सेहत भी ठीक रहती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा ताकत पाने के लिए भोजन भी ज्यादा किया जाए। जरूरत से ज्यादा भोजन खाने वाला बीमार भी पड़ सकता है। आशा है शीलू रानी तुम दोबारा बीमार नहीं होना चाहोगी। और बच्चों, शीलू सचमुच दोबारा बीमार नहीं हुई, क्योंकि अब वो भोजन के बारे में काफी कुछ जान चुकी थी और ये भी जान गई कि भोजन का महत्व क्या है और संतुलित आहार क्यों जरूरी है। बच्चों, डॉक्टर कहते हैं कि भोजन में सलाद का होना भी जरूरी है। ऐसा क्यों? अपने अध्यापक या माता पिता से इसके बारे में चर्चा करें। ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान। इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संतुलित आहार। कार्यक्रम संयोजन डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आलेख वंदना रावत, अनुसंधान ममता दीक्षित, वाचिका सुनीति कोहली, संगीतकार राकेश पंडित, ध्वनियांकन बटिक लैंग लिंगडोह, निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन एवं दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर।